दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर और ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर रिपेयर का काम सीखना चाहते हैं, छोटा स्टेबलाइजर हो या बड़ा स्टेबलाइजर हो, उन सब के रिपेयर के लिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आए तो आप उसे कैसे चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे और कस्टमर को किस तरह से उसका एस्टिमेट देंगे, बताएंगे कि इसमें कितना खर्च आएगा। तो आज हम प्रॉपर टेस्टिंग करने के बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे पास रिपेयर होने का ही अगर हम उसका सही से एस्टिमेट ना दे पाएँ तो फिर वो उसमें हमारा नुकसान होने के चांस रहते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है, ये एक 500 वाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। आप इसे बड़ा स्टेबलाइजर आया या छोटा है, कोई भी आया, तो टेक्निक सब में यही सेम रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कवर खोलेंगे और उसके बाद हम जो इसकी मेन लीड है इसे हम सीरीज बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हम ये सीरीज में लगाते हैं और ये स्टेबलाइजर हमारा ऑन हो गया। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट नहीं है इसमें। तो ये तो ही पहली टेस्टिंग। इसके बाद में फिर हम इसे डिमर में लगाएंगे, डिमर पर लगाएंगे। अभी तक कोई भी रिले ऑन नहीं हुई है और ये हमारा 140 वोल्ट से स्टेबलाइजर है, तो इसने अभी तो फिलहाल काम सही कर रहा है। ये देखिए काम सही कर रहा है, लेकिन इसमें भी एक पेच है, वो तो खैर आपको अभी बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, टेस्टिंग में हमें सबसे पहले मीटर चेक करना होता है, मीटर सही है या ख़राब है कस्टमर को एस्टिमेट देने के लिए। और उसके बाद देखिए, अगर पुराने मॉडल का स्टेबलाइजर होता है तो फिर हमें इसके अंदर देखिए ये टिकट ट्रांसफार्मर यानी 909 लगा होता है, हमें ये चेक करना होता है। ये चेक करने का तरीका ये होता है, आपको सबसे पहले बताते हैं कि देखिए इसे चेक करने के लिए हम जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं यानी 220 वोल्ट की जो सप्लाई हम देते हैं 909 में, तो इसका हम एक वायर काट लेते हैं, एक वायर हटा देते हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तब तो हमारा 909 सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो फिर 909 हमारा ख़राब है। इसके बाद हम इसकी कंडीशन देखते हैं, जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है इसकी कंडीशन कैसी है। ये देखिए, जैसे इसकी कंडीशन काफ़ी पुरानी है, लग रहा है कि ये कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा, तो हम कस्टमर को उस चीज़ का एस्टिमेट भी देते हैं कि भी देखिए अभी आपका चल रहा है, आने वाले टाइम में ये दिक्कत आ सकती है, ताकि कस्टमर का माइंड तैयार है इस चीज़ के लिए, पैसे खर्च करने के लिए नेक्स्ट टाइम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो आती है इसकी रिले। तो जो रिले होती है, हमें सबसे पहले रिले खोल के देखना चाहिए। जैसे देखिए, रिले का सबसे ज़्यादा वर्क होता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद एक चीज़ को समझिए, स्टेबलाइजर पे हमारा जो लोड चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए 5 KV का स्टेबलाइजर है या मेन लाइन का कोई दूसरा स्टेबलाइजर है और उस पर पूरा लोड चल रहा होता है, और रिले हमारी एक पॉइंट छोड़कर दूसरा पॉइंट पर आती है, कनेक्शन जो अप डाउन करती रहती है NC से NO पर, NO से NC पर, तो उस दौरान इसमें स्पार्क भी होता है और ज़्यादा स्पार्क होने की वजह से दिक्कत आ जाती है, कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमें कस्टमर को रिले चेंज करने का या फिर रिले रिपेयर करने का एस्टिमेट दे देना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, जैसे इस स्टेबलाइजर में सील रिले यूज़ की गई हैं, इधर रिले खुल नहीं पाती हैं, बिल्कुल सील रिले होती हैं, तो हमें अगर कोई कस्टमर हमें से शिकायत करे कि उसके यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज दे रहा है और हमारी टेस्टिंग में ऐसा फॉल्ट कोई भी ना आए, तो हमें ये रिले चेंज कर देनी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कस्टमर को डील करना है, किस तरह से आप उसे स्टेबलाइजर टेस्ट करके स्टेबलाइजर का खर्च बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।